यहाँ पे अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? राइट एन एपीआई विच गिव्स अ मिसिंग नंबर इन एन एरे ऑफ इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। बेसिकली इसका भी वही काम है जो यहाँ पे फर्स्ट जो वर्क था उसी का। तो यहाँ पे क्या करना है, एक एरे लेना है, उसमें से मिसिंग नंबर फाइंड करना है। देन यहाँ पे जो एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एपीआई का, उसको फॉलो करते हुए जाना। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फॉर्मूलाज क्या यूज करना है, अब की बार ये वाला। एन से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को। तो हमारे पास कितने काम है, फाइव डिजिट फाइंड करनी है, लास्ट डिजिट फाइंड करनी है, देन एन फाइंड करना है। एन क्या होता है, एटीट्यूड लेंथ करनी है, और एन क्या होना चाहिए, लेंथ प्लस वन होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, वन इस मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और मिसिंग नंबर का वही स्ट्रक्चर है, रेस्पॉन्स पे सेंड करना है, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से प्रोग्राम में देखते हैं किस प्रकार से दिखता है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो इस प्रकार से रन कर रहा था। अब यहाँ आएगा सेकंड, ठीक है। अब सेकंड प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, एक एरे लिया है, यहाँ पे जो पाथ दिया हुआ था वो डाल दिया है। जैसे ये पूरा प्रोग्राम एपीआई एक्सेस हो सके। अब इसके बाद क्या होगा, जो लेन लिया है, लेन के बजाय हम लेन ही रहने देते हैं, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एरे की लेंथ जो है, एरे की लेंथ क्या है अभी, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे भी एक टोटल वेरिएबल लिया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वेरिएबल में क्या करना है, टोटल सारा का सारा टोटल इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब इसको दो मेथड है, या तो फॉर इच लूप से कर सकते हैं या सिंपल फॉर लूप से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर इच लूप क्या करता है, जैसे कि एक कोई भी वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल आई। अब वेरिएबल आई क्या करेगा, आई के अंदर जाएगा, एरे के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेगा कि यहाँ पे अंदर गया है, जैसे कि अब ये क्या वर्क कर रहा है, अंदर जाने पर टोटल है, टोटल इक्वल टू एरे को ऐड करता हुआ चलेगा। बेसिकली इसका सीधा सीधा स्ट्रक्चर देखा जाए तो टोटल इक्वल टू टोटल वन सेकेंड आई, ठीक है। टोटल क्या करेगा, टोटल एआरआर आई को ऐड कर लेगा। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, एआरआर आई मतलब कि जो इंडेक्स वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 है तो 0 आएगा। तो 0 पे क्या एलिमेंट है, 33, देन टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 0 था पहले टोटल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 33 आ गया, जिसके बाद वापस से ये लूप चलेगा यहाँ पे, तो ये 34 आया, 34 यहाँ पे आएगा, इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रहेगी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1 हो गया, तो 34 + 33 हो जाएंगे, उसके बाद 35 हो जाएंगे, 37, ये सारे ऐड होते जाएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल के अंदर वैल्यूज आ जाएगी। तो ये थोड़ा इजी सिंटेक्स हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो वाला भी सिंटेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इस सिंटेक्स के अंदर आई की वैल्यू 0 है और आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, ठीक है। ए आर आर की जो लेंथ रहेगी उस अकॉर्डिंग चलेगा ये। तो ए आर आर की लेंथ जैसे 6 है तो 6 तक चल जाएगा, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी टोटल करने का वही मेथड है जो उसमें भी एक था, ठीक है। अब इसके अंदर लेट टोटल ये वाला क्लियर हो गया।
आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट फाइंड करेंगे। फर्स्ट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ARR 0 सिंटैक्स से एक्सेस करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगी, 33 इस जगह लेट यहाँ लिख ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पॉप क्या वर्क करेगा, एक एक एलिमेंट वहां से उठाता जाएगा, पीछे से उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 उठा लिया इसने, लास्ट का एलिमेंट उठा रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आ गई, इससे क्या होगा कि ARR टू पॉप का यूज करने का मेन पर्पस ये होता है कि रिमूव द लास्ट एलिमेंट एंड एरे रिटर्न्स इट, ठीक है। वहां से रिमूव करने के बाद वो उसी को रिटर्न करेगा 38 को, ठीक है। तो वहां से एरे से तो चला जाएगा, लेकिन वहां पे रिटर्न क्या करेगा कि आपके पास 38 रिटर्न हुआ। तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, इसलिए पॉप पॉप को यूज किया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव सम। अब कॉन्सिक्यूटिव सम के अंदर क्या करें कि लेंथ प्लस वन क्यों लिखा है, वहां पे जो एन कर रहे थे यहाँ पे लेन प्लस वन आ जाएगा एन। यहाँ पे जैसे सिंटेक्स इस प्रकार से बनता है, तो यहाँ बेसिकली एन को यूज कर लेते हैं, तो वही सिंटेक्स फॉलो हो गया। और लेंथ को भी यूज ना करके अगर ARR तो लेंथ करके प्लस कर देते तो भी चल जाता है। अब इसकी कोई नीड नहीं है बेसिकली। बट यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे आने आ गए, ये फॉर्मूलाज लिख दिया है, पूरा का पूरा फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी 38, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे टू से डिवाइड करना है इसको। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर है, वहाँ पे जो करा था वो कवर करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव सम में से टोटल को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं मिसिंग नंबर दे देता है, अब इसको रन करा के देख लेते हैं किस प्रकार से रन कर रहा है। रिटर्न 0.5, मैं भी कोई इश्यू हुआ हो। ओके, ये लेंथ तो सही नहीं पकड़ पा रहा होगा, एक बार इसको स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, इसको वो कवर रहने देते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, रिटर्न्स 36। सो 36 क्यों रिटर्न किया है इसके अंदर, बिकॉज 34, 35, 33, 34, 35, यहाँ 36 मिसिंग है। तो यहाँ इसने कैचअप कर लिया है कि यहाँ 36 मिसिंग है, तो इसी अकॉर्डिंग ये लेता है वैल्यूज को। अगर इसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कराते हैं तो ये थोड़ा टिपिकल सिंटेक्स में कभी कभी लेता है कभी नहीं लेता, तो इसका बेसिक ही रहता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। बाकी इसको अगर लैन को एन इक्वल टू लेंथ प्लस वन कर देते हैं तो ये वर्क कर लेता है डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पे इस अकॉर्डिंग रखा गया है, ठीक है। ARR माइनस वन,
और इसके अंदर फिर क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं डेटा नाम का, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देता है, तो ये की वैल्यू पेयर के अंदर वर्क कर लेते हैं। तो बेसिकली सेकंड प्रोग्राम भी इजी था सिमिलर एज फर्स्ट प्रोग्राम। ओके थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय लेक्चर।